हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज सबको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैं अपनी टास्क कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई और ज्यादा इंप्रूव और एनहांस हो जाएगी। और ये टास्क है सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको ये वाला जो लेक्चर है, ये वीडियो है, आपको सबसे पहले सुबह मिल जाया करे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर आज आपकी तैयारी का 32वां दिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आज 12 अगस्त है, और कल आप लोगों की रक्षाबंधन की छुट्टी थी, आप लोग अच्छे से उसको सेलिब्रेट किए होंगे। तो चलिए आज आपकी सारी क्लासेस हैं उसी तरह से चलेंगी। लेकिन देखिए, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग का इकोनॉमिक्स वो फिनिश होने वाला है, मतलब 4-5 दिन में आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। लेकिन अब आपकी 3 बजे और 6 बजे दोनों दिन, आप मतलब दोनों टाइम आप लोगों की यहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लास चलने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ी दिन हमारी तबीयत बेकार हो गई थी, तो आप लोग जानते हैं हमने थोड़ी आधे घंटे की 45 मिनट की क्लास आप लोगों को दी थी। तो इस वजह से उसको कवर करने के लिए 3 बजे भी जो आपकी पीसीएस की क्लास चलती है, और शाम को 6 बजे जो आपकी यूपीएससी की क्लास चलती है, दोनों टाइम में इकोनॉमिक्स ही चलने वाला है, मतलब 4-5 दिन ही चलेगा, फिर उसके बाद में फिर वैसे ही आप लोगों का शेड्यूल हो जाएगा फिर से। ओके, तो वो हम वैसे ग्रुप में भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि सारे लोग टास्क वाली वीडियो नहीं देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आज आपको क्या पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री क्लास 9th की एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। इसका नाम है इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 के नाम से, भाग 1 के नाम से आपको देखने को मिलेगी। इसका आपको सेक्शन 1 आपको पढ़ना है। देखिए, सेक्शन हिंदी में हो सकता है इकाई लिखा हुआ हो, तो आपको वो इकाई 1 जो है वो आपको पढ़ना है, और इसके अंदर मतलब जो सेक्शन 1 या फिर इकाई 1 है, इसके अंदर 3 चैप्टर दिए रखे हैं, 3 अध्याय दिए रखे हैं, तो इनको आपको पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों को आपको कैसे पढ़ना है, जैसे आप लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर आप लोग नोबल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं एक ध्यान पूर्वक, तो उसी तरह से आपको सिर्फ पढ़ना है। आप लोगों के लिए इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, और जिसके नोट्स बनाने होंगे हम आपको बता देंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान पूर्वक, जैसे हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हिस्ट्री को एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा जाता है, जिससे आपके दिमाग में वो स्टोरी है जो मतलब एक तरह से कहानी है, वो आपके दिमाग में घूमने लगे, तो सारी कनेक्टिविटी बनने लगती है आप लोगों की। तो आप लोगों को इसको रटना नहीं होता है, बल्कि आपको टाइम टू टाइम इसको पढ़ना होता है। तो जब भी आपको टाइम मिला करे तो आप हिस्ट्री पढ़ा करिए, जैसे नोबल आप लोग पढ़ते हैं तो उसकी जगह पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपका हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और जो भी आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, हम उसके नोट्स भी आपको बनवाने के लिए बोलेंगे। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन किसका करना है, टास्क नंबर 1 का आपको फुल रिवीजन करना है, वैसे हमने पहले भी दिया था लेकिन इसको फिर से रिवाइज कर लेना है। आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से, अगर आप लोग इस टास्क को फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, बार बार आपको रिविजन यहाँ पर दिया जाता है, जिससे सारी चीजें आपके दिमाग में रहे। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल आज आपको पढ़ना है। देखिए, एडिटोरियल इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एडिटोरियल के नाम से दिया रखा होता है, अगर हिंदी का पढ़ते होंगे तो उसमें लेख के नाम से दिया रखा होता है, बीच में आता है, तो एटलीस्ट आपको एक एडिटोरियल पढ़ना है। और हिंदी का पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट एक लेख पढ़ना है, और आपको उसके भी नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ पढ़ना है। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में 4 से 5 एडिटोरियल आते हैं। हिंदी के न्यूज़पेपर में सामान्यतः आपको 2 बड़े देखने को मिलेंगे और 2 छोटे देखने को मिलेंगे, और द हिंदू में भी 2 बड़े आते हैं और 2 छोटे छोटे आते हैं, तो आप लोगों को वो पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे का अपना टास्क। तो आज देखिए आपको मैपिंग टास्क में एशिया की फिजिकल लोकेशन रिवर के बारे में दिया जा रहा है। तो देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा इस तरफ। ओके, इस तरफ आपको, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उधर आपको थोड़ा सा पार्ट है, मतलब पूरा साउथ ईस्ट एशिया का नहीं दिया, लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया का थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें कुछ रिवर हैं, उन रिवर को आपको सर्च करना है। तो देखिए, पहली आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर रेड, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, रेड रिवर या फिर होंग रिवर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर नहीं है, तो ये होंग रिवर, रेड रिवर हम कहाँ पढ़े थे, हम चीन का, जब आपको चीन की रिवर पढ़ा रहे थे तब भी हम आपको दिए थे, तो आपको ध्यान होगा ये चीन से आती है और वियतनाम होते हुए इस खाड़ी में आकर के गिर जाती है। खाड़ी कौन सी थी, तो ये टोंगकिंग की खाड़ी हम आपको पढ़ाए थे, मतलब आपको दिए थे मैपिंग टास्क में, तो टोंगकिंग की खाड़ी में ही आकर के रेड रिवर या फिर होंग रिवर आकर के गिर जाती है। तो पहले कहाँ होती है, चीन से होते हुए कहाँ आ जाती है, वियतनाम में आ जाती है। ओके, फिर आपको एक मेकोंग देखने को मिलेगी। मेकोंग देखिए, ये काफी लंबी रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेकोंग
ओके, ये भी आपको वियतनाम में यहाँ पर आकर के नीचे गिर जाती है। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर चाओ पराल आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर है, तो देखिए इसमें आपको नहीं दिख रही है लेकिन ये थाईलैंड की है। कहाँ की है, थाईलैंड की आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह से आती है और यहाँ पर आकर के इस तरह से ब्लीन हो जाती है। ओके, तो ये इसमें नहीं बना हुआ है, आपके मैप में भी ना बना हुआ हो तो आप लोग बना लीजिएगा। ओके, उसके अलावा आपको सालबिन देखने को मिलेगा और इरावदी देखने को मिलेगा। ओके, ये देखिए आपको म्यांमार है ना, तो म्यांमार में ये देखिए इरावदी है और ये आपको सालबिन, आपको दो रिवर काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये आपको देखनी है। ओके, और इसके अलावा देखिए टिग्रिस है और यूफ्रेटस है। तो देखिए यूफ्रेटस है और टिग्रिस है, ये दोनों मतलब आपस में आकर के मिल जाती है ना, और जाकर के जो फारस की खाड़ी है, पर्सियन गल्फ हम आपको पढ़ाए थे, उसमें आकर के गिर जाती है। तो देखिए इसमें हम मैप नहीं लगाए हैं, हमें लगा नहीं था कि मतलब ये भी रिवर है, तो इस वजह से हम ये वाला मैप नहीं लगाए, तो कोई बात नहीं है, चलिए हम बना देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये पर्शियन गल्फ का मान लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आकर के मिल जाता है। तो देखिए इधर हम आपको मेसोपोटामिया पढ़ाए थे ना, इस तरह से क्या पढ़ाए थे, मेसोपोटामिया पढ़ाए थे। ये क्या है, फारस की खाड़ी, ये क्या है, ओमान की खाड़ी, ये क्या है, रेड सी आपको देखने को मिलेगा, कुछ याद आ रहा है ना, ये क्या था, ओमान की खाड़ी। इधर आपको देखिए, इधर आप लोग आएंगे तो हम आपको गुजरात में पढ़ाए थे कि इधर एक कच्छ है, कच्छ से आगे गए थे तो ओमान की खाड़ी देखने को मिली थी, ओमान की खाड़ी से आगे आप गए थे तो फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिली थी, और थोड़ा सा ऊपर हम इधर आपको मेसोपोटामिया वाला रीजन आपको लोकेशन में दिए थे। इसी रीजन में ये दोनों रिवर यानी कि इधर से इस तरह से टिग्रिस आती है और इधर से जो यूरोफेटस है वो आती है और आकर के फिर बाद में पर्सियन गल्फ में आकर के मिल जाती है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, इस तरह से आपको ये रिवर है ये कवर कर लेनी है अच्छे से, और कल कल भी आप लोगों के लिए आगे के रिवर दी जाएंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको टास्क कवर करना है, अच्छे से कवर करके आपको ग्रुप में सेंड करना है। हम एक इंफॉर्मेशन है ग्रुप में, वो भी शेयर कर देते हैं कि 3 बजे भी आप लोगों का इकोनॉमिक्स 2-4 दिन चलने वाला है। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि एकमात्र हमारा ऐसा चैनल है जहाँ पर आप लोगों के लिए डेली बताया जाता है कि आप सबको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है। तो इसी तरह से अपना प्यार